ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। सहारनपुर नगर निगम द्वारा उखाड़ी गई सड़कों को ठीक कराने की मांग को लेकर पार्षदों ने जल निगम कार्यालय घेरा। सड़कें ठीक नहीं होने तक भूख हड़ताल की दी है चेतावनी। सांसद और विधायक पर भी लगाए गंभीर आरोप। नगर निगम में स्मार्ट सिटी के नाम पर हो गए भ्रष्टाचार के विरोध में वरिष्ठ पार्षद इमरान सैफी एवं हाजी गुलशेर के नेतृत्व में पार्षदों ने नगर निगम के जल निगम कार्यालय का किया घेराव। धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर की नारेबाजी। पार्षदों का आरोप है कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सिविल लाइन डालने को लेकर जल निगम द्वारा उखड़ी गई सड़कों को ठीक नहीं कराने से हर रोज बढ़ रहे हैं हादसे। वरिष्ठ पार्षद मोहम्मद गुलशेर और पार्षद चौधरी शहजाद ने निगम के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि सड़कें फटी होने के चलते लोगों को सड़कों से गुजारना मुश्किल हो गया है। पार्षद गुलशेर ने जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सड़कें ठीक कराने के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ तक सांसद और विधायक भी नहीं उठा रहे हैं जनता की आवाज। गुस्साए पार्षद प्रतिनिधि मंडल ने उखाड़ी गई सड़कें ठीक नहीं होने तक जल निगम कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना एवं भूख हड़ताल की दी है चेतावनी। टेंडर हुआ वो सेंसर तो सिवर लाइन का काम किया जा रहा है। जीएसपी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, पार्षदों का आरोप है। पार्षद कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। ये कार्य जो है जनवरी में शुरू हुए थे, इसका पहला दिन बनाकर मार्च के लास्ट में भेजा गया था अथॉरिटी में पेमेंट के लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड को। तो वहाँ से वो पैसा अब तक नहीं मिला है। उसमें बताया गया है कि एक तो इसका थर्ड पार्टी किराए पार्टी एग्रीमेंट होना है जो अभी तक उनके लेवल से ही अथॉरिटी के लेवल से ही रुका हुआ है। दूसरा जो है इसी बीच में उसमें किसने ये शिकायत की है कि इसका डीपीआर उसका सीडी जो है वो सही नहीं बना है तो उसकी जांच बिठा दी गई है, जिस वजह से जो है वो उसको फाइनल नहीं कर पा रहे हैं और वो पैसा नहीं भेज पा रहे हैं। छोटे गाँव का कहना ये है कि जब तक हमें पहले करे हुए काम का पैसा मतलब किराए पार्टी एग्रीमेंट पर साइन तो हो जाए कम से कम, उसके अलावा फिर कुछ पैसा मिले जिससे कि हम काम को आगे बढ़ाएं। अच्छा पार्षद पहले मान कर रहे थे कि पूरी पूरी सड़कें बनाई जाएं। अभी चार पांच दिन पहले बात हुई तो इसमें ये बात ठीक है जितनी सड़क काफी है उतनी बना दी जाएं या जहाँ पर टाइल की सड़क है किस टाइल की सड़कें बना दी जाएं। ठीक है तो उसके लिए हम भी सहमत थे आप भी सहमत थे, पर उसके लिए उनको लेटर भी लिखा गया, फॉर्म चेक करो कहा भी गया। पहले तो वो बोल रहे थे कि आप लिख कर दो, हमने लिख कर दिया कि बना दीजिए, तो उनका जवाब आ गया कि जब तक हमें भुगतान नहीं मिलेगा हम कोई काम शुरू नहीं कर सकते। ये उनका ये लेटर आ गया उनका, ठीक है ना, हमने उनको पत्र लिखा था। जब आपकी तरफ से लेटर जारी किया गया था तो क्या कंपनी से बात नहीं हो पाई तब तक, आपकी क्या कुछ वजह नहीं है जो काम डिले हो रहा है? नहीं पैसा नहीं मिल पा रहा ना उनको, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। अब तक जितने पैसे का भी काम हुआ उनको एक रुपया भी प्राप्त नहीं हुआ है। और क्योंकि इस पर जाँच बिठा दी गई है पहले, तो पहले वो बोलने की पहले जाँच हो जाने दीजिए कि जाँच में ये हमारा टेंडर रहेगा नहीं रहेगा, सी बी रहेगा नहीं रहेगा, उनका कहना यह है। तो उनका अपना कन्फ्यूजन है, उन्होंने ये पत्र भी किया, वो लगातार पत्र दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि काम करो, वो बोल रहे हैं कि इसको हम जब करेंगे जब हमें भुगतान होगा। सर क्षेत्रीय पार्षदों का आरोप है कि त्यौहार सर पर है, जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं उसके बाहर भी जो सड़कें फटी हुई हैं उन पर भी कार्य नहीं कराए जा रहे हैं, ना नगर निगम की ओर से ना जल निगम की ओर से। मैंने इसीलिए कार्य पूर्ण हो सकता है क्या कुछ, मैंने इसी वजह से ही उनको लेटर लिखा था। मैंने कहा था कि कम से कम जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं जहाँ नमाज पढ़ी जानी है उनको जो है एक से तीन चार दिन पहले करके बिल्कुल साफ सुथरा कर दीजिए, सड़कें बना दीजिए। ठीक है, अभी मैं फ्री में नहीं कहा, मैंने फ्री में क्यों कहा जाएगा, उसका भुगतान मिलेगा, फ्री में कौन काम करेगा। पिछले जनवरी में जल निगम के अधिकारी और एएसपी कंपनी के अधिकारी हमारे पास आए थे कि स्मार्ट सिटी का कार्य शुरू हो गया है और हम सीवर का और सीवर डालने के लगभग 30 दिन बाद आपका सीसी डालने का पूर्ण रूप से कार्य करेंगे। उन्होंने काम 2 महीने बाद शुरू किया, दूसरे एक्शन थे, काम हमारे यहाँ 2-3 सड़कें बनी उसके बाद से ये एक्शन आए, दूसरे एक्शन का ट्रांसफ़र हो गया। इनका मानना है कि जब तक कंपनी के अधिकारी हमसे नहीं मिलेंगे, वो आप जानते हो क्यों मिलेंगे, पिछले वाले उनसे मिले हुए थे तो काम हो गया, एसबीजे आए तो इन्होंने कह दिया कि जब तक हमारे से कंपनी के अधिकारी नहीं मिलेंगे तब हम लिखकर नहीं देंगे। ये क्या लिखा पड़ी, इससे पहले क्यों काम कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, इस बात का जवाब आप इनसे लोगे। इससे पहले उन्होंने हमारे वार्ड में 2-3 पूरी सीसी डाली है, अब इनका कहना है कि हम पेच वर्क करेंगे। अरे भाई तुम पेच वर्क क्या करोगे, जो 6 महीने से सड़कें पड़ी हुई हैं जिन्हों गारे में तब्दील हो गई है, जहाँ पे लोगों का जीना दुश्वार हो गया उसको कौन करेगा अभी,
हमने इनसे बोल दिया, बार बार बोल रहे, पिछले दो महीने से बोले, अभी जो आपने फाड़ दिया, इन्होंने वहाँ से कंपनी के ऑनर ने सारी टैले हमारी उखाड़ के वो भेज दिए, और हमारे यहाँ जितनी भी सीसी थी सब उखाड़ के ले गए, वहाँ पे फड़ बना के चले गए, और पूरे डेढ़ महीने से काम बंद पड़ा हुआ है, हमारा जीना दुश्वार हो गया, लोग हमें गालियाँ दे रहे हैं, और ये बैठे एसी में, ये अपनी कमीशन के चक्कर में काम रोक के बैठे हैं। साफ तौर पर आपका कहना है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में, भ्रष्टाचार का 100% है, रिश्वत का 100% है, जिस कारण ये काम रुका हुआ है। आप बताइए, जब इससे पहले क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है, हमारी सीसी जितनी फाड़ी है रोकना है। जब इससे पहले एक्शन ने काम कर रखा था, क्या वो मानकों के हिसाब से नहीं कर रहे थे? ये ज्यादा मानक वाले आए हुए हैं। अगला कदम भूख हड़ताल में बैठेंगे, हमारे साथ में हमारे बच्चे भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, सब यहाँ भूख हड़ताल में बैठेंगे। हमारे वार्ड का एक बच्चा एक महिला यही मिलेंगे आपको, अगर हमारा दो दिन के अंदर हमारे त्योहार से पहले कोई भी सुधार नहीं हुआ। हमारा 19 तारीख को त्योहार है, ये बार बार एक्शन हमें आश्वासन दे के भेजते है, इसकी कंपनी से डील नहीं होती तो ये फिर मना कर देता है कि मैं कार्य नहीं करूं।